तो हम दोस्तों आज के हम वीडियो में देखेंगे, हम TCL 10 Tab Max 4 की रिव्यू करेंगे। और मुझे सॉरी बोलूँगा क्योंकि मुझे रिव्यू करने में थोड़ा लेट हो गई, ज़्यादा भी लेट नहीं हुई क्योंकि मैंने जो अनबॉक्सिंग करी थी 7 दिन पहले करी थी, और 7 दिन को यूज़ करने के बाद, अच्छे से यूज़ करने के बाद हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो आई होप ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा ख़रीदने पर। आपको लगेगा जब मैंने जो पैसा इन्वेस्ट जो भी स्पेंड किया था उसका सही यूटिलाइज हो रहा है और ये सही टैब है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले बता दूँ, हमने इसको 7 दिन टेस्ट किया। सारे टेस्ट करने के बाद हमें क्या क्या पता चला, मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बात आता हूँ इस टैब की कैमरा का। इसकी जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो है, जो पेपर में 8 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, बट 8 मेगापिक्सल तो है ऑन पेपर बट ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन इसकी जो प्राइमरी कैमरा है जो बैक साइड में है, हाँ, वो 13 मेगापिक्सल की, वो उसको गुड बोलेंगे। एंड जो फ्रंट कैमरा है वो एवरेज है। आज भी पम्प करेंगे। साउंड इज ऑल्सो गुड, और 3.5 mm की जैक नहीं है। इसमें जो है आपकी ऑडियो USB-C टाइप लगेगी, या आप ब्लूटूथ हेडफोन से यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें, बहुत बढ़िया है, फुल HD है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी जो चार्जिंग टाइम है, 4 आवर्स की चार्जिंग टाइम है फुल बैटरी। और इसका अगर बैटरी की बात करें, वीडियो के एंड में मैं सारे एप्लीकेशंस की बात बताऊंगा, मैंने सारे एप्लीकेशंस भी टेस्ट किए हैं काफ़ी सारे, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा। तो बैटरी की बात करें, बैटरी इसकी तो सुपर, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं। मैंने ऐसे टाइम में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस बैटरी की नहीं देखी थी, हालांकि इसमें मुझे अच्छा मिला। परफॉर्मेंस की बात करें तो भी बहुत बढ़िया है। मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशंस रन किए, मैं एक एक करके बताऊँगा। तो सारे एप्लीकेशन स्मूथली चल रहे हैं, कोई लैगिंग नहीं है। इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं था, कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, जैसे कि काफ़ी सारे टैब्स में ज़बरदस्ती दे दी जाते हैं। मुझे हालांकि कोई लैग नहीं मिला, मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन यूज़ किया, लैग नहीं मिला। लेकिन मैं अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपनी प्रो टिप दूंगा, जो आप ज़रूर देखना तो आपको समझ में आएगा आपके लिए सही है कि नहीं सही है। फाइन, तो मैंने कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया, मैंने बैम्बू पेपर यूज़ किया, कैनवा यूज़ किया, इमेज एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए एंड्रॉयड के, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ किए, काइन मास्टर यूज़ किया, पावर डायरेक्टर यूज़ किया, ट्रेडिंग व्यू यूज़ किया। मेरे एक व्यूअर ने ट्रेडिंग व्यू के बारे में पूछा था, तो मैंने इसमें ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ किया, कैड भी यूज़ करी, कोई लैगिंग मुझे नहीं दिखी, कोई लैगिंग नहीं है। जो स्ट्रीमिंग ऐप्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, G5, सोनी लिव, ये मैंने यूज़ किया, सब ये बढ़िया चल रहा है। लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, ऐसा जब आप स्ट्रीमिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी बैटरी जो है जल्दी ड्रेन हो रही है। स्ट्रीमिंग ऐप यूज़ करते हैं कोई भी डिवाइसेस में, चाहे वो सेलफोन हो चाहे वो टैब हो, सारे में बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन होती है। मैंने सारे प्रकार के एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ किया, लाइट और हेवी, देखा इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। फाइन, अब मेरी सजेशन, जो मेरी प्रो टिप रहेगी, अगर आप कुछ 5-6 एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए टैब परचेस करते हैं, सपोज 5-6 एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अब आप ऑफिस के पर्पस के लिए कोई वर्ड या स्प्रेडशीट ये सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं, और कुछ अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, 5-6 एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा 2-3 साल। लेकिन आप ऐसा ना, ये जो टैब है, टैब अभी भी सेलफोन से कंपेरेटिवली अभी भी इतनी फास्ट नहीं हो पाया और उतना परफॉर्मेंस हाई नहीं दे पाया। आप इसको लैपटॉप से कंपेयर ना कर सकें, लैपटॉप में भी लिमिटेशंस होते हैं, लैपटॉप में भी अगर काफ़ी सारे एप्लीकेशन अगर रन करते हैं तो वो भी हैंग हो जाता है। तो टैब में आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, कहीं भी हल्की सी है, मूव कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5-6 एप्लीकेशन जो है आपके जो काम के हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको स्मूथली रन करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि इसमें एंड्रॉयड में सबसे बड़ी दिक्कत है, ये बीच में अपडेट देते रहते हैं, और ये अपडेट देते रहते हैं तो ये जो ऐप्स है एंड्रॉयड ऐप्स बल्की हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है, फिर डिवाइस जो है हैंग करना शुरू करता है। तो 2-3 साल तक रहें, आप इसको नहीं समझे जो परमानेंटली कुछ नहीं होता, तो ये बात है। अब मेरी फाइनल जो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये
अगर इसके प्राइस देखें और कॉम्पिटिटर का प्राइस देखें तो प्राइस इसकी जो वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ओवरऑल रेटिंग इसको आउट ऑफ 10 9 मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है ये टैब बहुत बढ़िया है एंड आई विल रेट इट 9 आउट ऑफ 10। तो ये टैब बहुत बढ़िया है, स्पेशली इसकी जो परफॉर्मेंस और बैटरी बहुत अच्छी है। नो डाउट मैंने जो पर्पज़ के लिए लिया था वो फुलफ़िल हो रहा है, मैं काफ़ी सारे एप्लीकेशन रन कर पा रहा हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2-3 साल तक मैं वो एप्लीकेशन को स्मूथली रन कर पाऊँगा। चूँकि इसमें ब्राउज़र रहता है तो सारे ऐप्स को मैं नहीं बोलूँगा, मैं भी और ये और एक प्रो टिप है, सारे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल ना करें, सारे ऐप्स को आप इंस्टॉल ना करें। कुछ अगर आपको ब्राउज़र से काम चल जाता है तो ब्राउज़र से करें, वही काम को करें जो कोर काम के लिए जो टैब परचेस किया है तो बेटर है। आप चाहेंगे लैपटॉप की तरह यूज़ करें तो नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझा पाया इस टैब की क्या वैल्यू है, क्या परफॉर्मेंस है और ये टैब कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो बेझिझक आप कमेंट करें, सारी कमेंट्स की मैं रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में नोटिफिकेशन बेल है छोटी सी घंटी है उसे जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।